विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां गढ़ थाना क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी ही, जहां लाश का लेके गांव वाले थाना का घेर लिहीन और जेई के खिलाफ FIR दर्ज करके गिरफ्तारी के मांग पर अड़े हैं। अपना पंचन का बताए दी कि टिकुरी 32 निवासियों के द्वारा थाना का सूचना दी गई रही कि जमीन से सट के हाई वोल्टेज के तार लटकत लाग है, पर केहू के काने में जू तक नहीं रही, जेके कारण रात में तार से चिपक के मुकेश पटेल के मौत हुई है। गढ़ में एक व्यक्ति की बॉडी जो मिली है उसको लेकर अभी थाना प्रभारी द्वारा मौका मुआयना किया जा रहा है, साथ ही SDP और SDM साहब भी थाने पहुंच गए हैं। वे चर्चा कर रहे हैं परिवारजनों से और उनकी मृत्यु का कारण क्या रहा है, जो परिवारजन बता रहे हैं करंट लगने से, तो इस प्रकार का जो भी उन्होंने बताया है तो उसका परीक्षण हम लोग कर रहे हैं और अभी उनसे चर्चा करके जो शव है उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मर्ग जाँच में जो भी फैक्ट्स आएंगे जाँच के दौरान उसके अनुसार हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, परिवारजनों को इस प्रकार की आशंका है कि यहाँ पर जो तार बिजली के थे उनके कारण इनकी डेथ हुई है, तो उन लोगों ने जब इस बात को बताया तो एक टीम मौके पर रवाना की गई और उनसे SDM SDP की चर्चा करके उनको बता रहे हैं कि जो भी इसमें जांच में आएगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के कर्मचारी यूनियन के द्वारा केंद्र के समान महंगाई भत्ता और बड़ी पेंशन के साथ है 12 सूत्री मांगन का लेके कलेक्टर का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपी। ही बतावा जात है कि सगले प्रदेश के लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों के मांग जुड़ी है। आई अपना पंचन का सुनाई थे पूर्व मामला का लेके कर्मचारी का कहा थे। ये केंद्र के समान महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन लागू करने, द्वितीय वर्गों का वेतन विसंगत एवं अन्य 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी पूरे प्रदेश में ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। और आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हिटलर शाही छोड़ दें, नहीं हिटलर, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, जिस तरह से जर्मनी और रूस का हालत हुई थी आज बहुत पहले की बात है, तो चाहे मोदी जी हों चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी हों, ये भूल जाएँ कि ये पूरा प्रजातंत्र हमारे मुट्ठी में है, चूँकि गरीब अमीरों के लड़ा के आपस में और कर्मचारियों को एक तरफ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, कोई भी मांग कर्मचारियों को नहीं कर रहे। अभी 60 दिन तक स्वास्थ्य कर्मचारी संघ बेचारे हड़ताल में बैठे रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 मिनट का समय नहीं मिला कि उनसे बात कर लें। मैं ये सभी कर्मचारी संघों की ओर से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी आदत सुधार लें, अन्यथा जैसे 16 में उनकी हालत हुई थी 18 में उसी तरह उनकी हालत पुनः होने वाली है, हम लोग संकल्प ले लिए हैं। मुख्य मांगे हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, मैं मांग पत्र पढ़ के सुनाई देता हूं आपको। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों पेंशनों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर की राशि का भुगतान किया जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी से निगम मंडल इत्यादि का भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को समान दिया जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सहित पेंशनों निगम मंडल इत्यादि के कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्रिपरिषद के आदेश दिनांक 5 अप्रैल को पारित हो गया, अभी तक वो नहीं किए, मंत्रिमंडल ने कर दिया। लिपिक वर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जाए। पंचायत सचिव और स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए। प्रदेश के कार्य दैनिक वेतनभोगी संविदा स्थायी कर्मी या अन्य पदों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तिकरण करने के उपरांत शेष पदों पर शेष भर्ती की जावे एवं विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मियों को नियुक्तिकरण के अधिकार दिए जावे तथा तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स से भर्ती पर रोक लगाए जाए, कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नवदीकरण का लाभ दिया जाए। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार की बात, मध्य प्रदेश के वे कर्मचारी जो 5वें वेतनमान में 1 जनवरी से 30 जून के मध्य वेतन वृद्धि प्राप्त करते थे उन्हें एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। प्रदेश के पटवारियों को ग्रेड पे में 2800 रुपये किया जाए, ग्रेड पे 2800 किया जाए। ये संयुक्त कर्मचारी संघ सभी आल संघ जितने संघ है क्लास 1 से लेकर क्लास 1 राजेंद्र तिवारी। खबर रीवा से ही, जहां सड़क के झगड़ा कर लई के एक आदमी के लाठी डंडा से पीट के हत्या कर दी गई। बताई दी कि यह घटना चौराहटा थाना क्षेत्र के बरवाह की है। मृतक के लड़का आकाश सिंह बताए कि गांव के विजय सिंह पुष्पेंद्र सिंह से सड़क का लई के झगड़ा चलत रहा, कई एक बेर धमकी दे चुके रहे
अपने पीछे का बताई दी कि गत 15 जनवरी का ओखर पिता खेते कई जात रहे हैं, तबे पीछे से लाठी डंडा से हमला कई दिन का। बताई दी कि जब तक परिवार वाले पहुंचे तब तक आरोपी भाग निकले रहे। उन बेहोश पड़े पिता का लेके संजय गांधी अस्पताल पहुंचावा गा, जहां शुक्रवार का इलाज के दौरान उनकर मौत हो गए। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम कराए के सब घर वाले का सौंप दी सी और मामला की जाँच शुरू कर दी सी। आई सुनाई थे मृतक के लड़का का जानकारी दे थे। घटना पापा 15 तारीख को जा रहे थे खेत, तो उसी का खेत पहले पड़ता है, पापा अकेले थे, तो वो दो लोग थे, तो पीछे से रोटी और वो रॉड लेके पीछे से सर में मार दिए और फिर लाठी डंडे से बौछार किए, तो वहाँ पर बेहोश हो गए। फिर हम लोग वहीं पे थे, मतलब थोड़ा पहले पीछे पहुँचे हैं, तो फिर यहाँ लाए हैं, तो आज डेट हो गई है। गांव के हैं विजय सिंह और पुष्पेंद्र सिंह। क्या विवाद क्या चल रहा था? विवाद कुछ नहीं था, बस आने जाने की क्या रास्ता है। पहले उनका खेत पड़ता था, तो मतलब गाड़ी को लोच हुआ, मतलब 2-3 दिन दिए, तो हम लोग बोले कटाई हो गया। उस दिन नहीं समझ पाए कि लोग मारने की फिराक में कि क्या है। पापा अकेले यहाँ से गए, हम घर में यहाँ पीछे पीछे, मतलब वो आगे निकल गए, तो गए तो वो दोनों लोग पीछे से, मतलब बहुत बेहम तरीके से, बहुत मतलब। इस गांव की घटना है, ये ग्राम बरवा है, पोस्ट पर पकड़ा, जिला रीवा चौराटा। ये घटना 15 तारीख की है। आरोपी गिरफ्तार हो गए? हाँ, गिरफ्तार हो गए हैं। पापा को क्या नाम था? पापा तो राजकुमार सिंह। मध्य प्रदेश के रीवा शहर से एक ठे दिल जले आसिक के सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा सौहे आवा है। या दिल जला आसिक नशा मत धुत रहा और पुलिस से प्यार मत धोखा मिले के बात कहत रहा है। बताई दे कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस प्रशासन लोगन का जागरूक करे के काम करत लागी। एक ही साथ है हेलमेट लगावे के साथ यातायात के नियमन के पालन करे की हिदायत दे रही है। या बीच नशा के हालात में तेज स्पीड मोटरसाइकिल एक ठे टेम्पो वाले का टक्कर मार दी। एक बाद दोनों के बीच विवाद हो गई। यह मामला रीवा शहर से 5 किलोमीटर दूर जीठी गांव के आए। का दुख रहा? ना क्या 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 गम था आपको कि आज आप थोड़ा ले लिए? फोन डाले नया पर्दा, तो बताइए गम में क्या करें इनके साथ है? ना क्या गम था कि आज आप थोड़ा ले लिए? ब्रेकअप हो गया? दे दीजिए दिल के मारे हैं, इनका फोन दे दीजिए आप। दिल का मारे हैं, ये पर्दा का नया पर्दा को क्या करेंगे? कौन से गाड़ी से थे ये? यही गाड़ी से मरने को बच गए ये। अच्छा। ये व्यक्ति मेरे गाड़ी से मरने से बच गया। तू ही दे हो मोबाइल वीडियो मत बनाइए। अरे काहे डर रहे हो? अपने जिंदगी में सोच कर रहा है। काहे डर रहे हो ये बताओ, काहे दारू पी के काहे चला रहे थे? गाड़ी तक देखी नहीं आए माँ की होगी कहीं चला। इतनी भीड़ में दारू पी के काहे चला? अभी मर जाते तुम, तुम्हारे मेहरिया लड़का बच्चा क्या करते हैं? नहीं ना रीवा में परंपरागत रूप से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह SAF मैदान में आयोजित की जात है। मैदान के साथ सज्जा और बैठक व्यवस्था ठीक से बनावे के खातिर विभिन्न निर्माण कार्य कराए जात लागे। कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन निर्माण कार्यन के निरीक्षण कहीं। कलेक्टर मनोज पुष्प मौका में उपस्थित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी का निर्देश दे के कहीं कि SAF मैदान में कई ऐतिहासिक कार्यक्रम हो चुके हैं। देश के कई थे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ए मैदान में सभा भई ही। मैदान में साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के काम जल्दी कराए जाएं। आज खातिर इतने। बघेरी में बिंदी के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।